हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शेख गौस। दोस्तों, अभी फिलहाल मैं सुप्रो गाड़ी में और सुप्रो गाड़ी लेके जो है लोड करने जा रहा हूँ। और अभी टाइम बज रहा सुबह के 6 और 6 बजे लोड करने जा रहा हूँ। और इतनी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब थी। 2-3 दिन से जो है सेंसर प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी रुकी हुई थी, तो गाड़ी का जो है काम हो गया और गाड़ी एकदम राइड है अभी। तो 2-3 दिन रुकने की वजह से जो है मील में जो है लकड़ी स्टॉक हो गई थी, तो मील से बार बार फ़ोन आ रहा कि लकड़ी उठाओ, तो बहुत ज़्यादा जमा हो गई। तो इसलिए सुबह जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि शाम तक जो है 2-3 ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं जल्दी गए, तो इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। 6 बजे जा रहा हूँ। 10-11 बजे तक एक ट्रिप होता, फिर 2-3 बजे तक एक ट्रिप होता, फिर शाम में 7-8 बजे तक एक ट्रिप होता। 3 ऑर्डर कम्प्लीट कर सकते हैं और 3 मील का लकड़ी भी उठा ले सकते हैं। इसलिए जो है सुबह जल्दी जा रहा हूँ। और दोस्तों, मैं बताता हूँ अभी सेंसर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो सबसे पहले ये देख लो आप, ये अपनी सुप्रो गाड़ी और प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ यहाँ पे देखिए। अभी बता रहा है इसमें टेम 6:06 हो रहे और अभी देखिए मैं जा रहा हूँ गाड़ी लोड करने। तो इसमें जो है ना दोस्तों, गाड़ी लेके मैं 1 साल के ऊपर हुआ, 1 साल 15-20 दिन हुआ। 1 साल 15-20 दिन के अंदर सिर्फ मैं इसके अंदर जो है टेम देखा हूँ 1-2 महीने देखाऊंगा, बहुत से बहुत गाड़ी ली जब से सिर्फ 2 महीने। बाकी के 10 महीने इसमें मैं खाली रीडिंग ही देखा, 700 किलोमीटर इंजन ऑफ, 600 किलोमीटर इंजन ऑफ। तो अभी जो काम हुआ, अब ये काम के हिसाब से जो है फिर प्रॉब्लम आता नहीं आता आपको जो है रेगुलर वीडियो में मालूम होते ही रहता। अगर आते कि जो है मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि फिर से प्रॉब्लम आ गया। कल तो काम कराया मैं इसका, पूरा काम हो गया। अभी गाड़ी में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, काम जो हुआ। दोस्तों, फॉल्ट जो था मेरा जो BS6 का टैंक है लिक्विड का, वो टैंक से जो है मोटर का क्लिप निकल गया था। वो क्लिप निकलने से जो है मोटर काम नहीं कर रही थी और लिक्विड जो है साइलेंसर तक नहीं पहुंच रहा था। उसके बाद जो मोटर काम करी, फिर साइलेंसर तक लिक्विड पहुंचा, उसके बाद जो है फिर भी वो लाइट नहीं जा रही, किलोमीटर बता रहा था ही उसमें। फिर मोहम्मद भाई जो है बहुत कोशिश करे, बहुत बोले तो बहुत कोशिश करे, कोशिश करके जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिए। तो अभी जाके जो है गाड़ी राइट है मेरी, देख सकते हैं आप। अभी देखिए सिर्फ टाइम बता रहा है इसमें। तो अगर आपके भी गाड़ी में सब प्रॉब्लम आ रहा तो आप परेशान है बाहर बता के, अगर उम्मीद छोड़ दिए बता बता के, तो एक बार जो है मोहम्मद वगैरह आप बता ले सकते हैं। और उनका जो एड्रेस है टोली मस्जिद अत्तापुर रोड कारवान रोड टोली मस्जिद के पास जो है TMC मैकेनिक शॉप है, वहाँ पे आके एक बार बता के देख लो। अगर हो सका तो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता। मेरे को मोहम्मद भाई से कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ मेरे को काम अच्छा लग रहा। और मैं बहुत जनों को जो यूट्यूब पे देख के जो है कुछ जो परेशान है उन्होंने आके बता लेके जा रहे और उनका भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा। तो मैं भी, अगर आप कोई परेशान है अगर गाड़ी को लेके, प्रॉब्लम को लेके, अगर आप बाहर बता चुके हैं प्रॉब्लम नहीं जा रहा, तो एक बार जो है आके मोहम्मद भाई ने चेक करा लो। उनका जो एड्रेस है कारवान रोड रिंग रोड कारवान रोड टोली मस्जिद TMC मैकेनिक शॉप, एक बार बता के देख लो। इंशाल्लाह अगर कुछ फॉल्ट है तो भी चले जाता। तो मैं जा रहा हूँ अभी लोडिंग को। तो ये देखिए दोस्तों, मैं हूँ रास्ते में, अभी एम्प्टी गाड़ी है, लोड करने जाना है, अकेला हूँ, कोई भी नहीं है, वसीम भाई नहीं, सोहेल भाई नहीं, अभी इतना सुबह सुबह कोई भी नहीं आते। और गाड़ी रुकने की वजह से जो है माल स्टॉक हो गया, उसलिए लोड करने जाना है। तो ये भी देखिए कितना अच्छा दिख रहा है इसमें टाइम देखने को। अब सिर्फ वहाँ देखे तो 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर ही बताता था। तो ये है रिंग रोड अत्तापुर रिंग रोड और ये सुबह सुबह का आलम है। और यहाँ पे देखिए पूरा ईंटों के गाड़ियाँ लगे हुए हैं, लेना यहाँ से यूटर्न। यहाँ पे भी देखिए, ये हमारा काटा है, हम जो काटा कराते हैं, ये हमारा स्पॉट है। और बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ काम से बिजी था। ये आ गया हमें यहाँ पे साइड में रोकिंग है ज़रा मील में जो है सुबह सुबह से काम कर रहे, 6 बजे से थोड़ा जो है चाय पानी लेके जाएंगे उनको। और दोस्तों, ये रही अपनी सुप्रो गाड़ी, सुप्रो मिनी ट्रक। यहाँ पे है चाय की होटल, ज़रा चाय पकड़ लेके जाएंगे हाथ में क्योंकि सुबह सुबह होटल में आके काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, चाय ले लिया अभी, अभी जो है गाड़ी लोड करेंगे, गाड़ी लोड करके जो है फिर आपसे बात करेंगे। क्यों बोले तो अकेला भी हूँ और फटाफट लोड भी करना है, और कल जो है टायर भी पंचर हो गया था, वो टायर निकाल के रखा, ये गाड़ी के साथ आया से टायर है। और यहाँ पे देखिए अभी प्रॉब्लम सॉल्व,
इतना अच्छा दिखता नहीं यहाँ पे, अगर कुछ नहीं बताया सिर्फ टाइम बताया तो। मैं बोल रहा हूँ ना, एक साल में 12 महीने में सिर्फ 10 महीने इसमें टाइम वो प्रॉब्लम बताया, सिर्फ 2 महीने टाइम बताया। तो अभी देख लो अभी कितने दिन बताता, क्योंकि बोल तो गाड़ी लाए तो 2 महीने से प्रॉब्लम चालू हुआ था मेरे को। नई शोरूम गाड़ी लाया था, आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, नई शोरूम से गाड़ी लाया था क्योंकि गाड़ी प्रॉब्लम नहीं देना बोल के। तो भाई साहब चलो जो भी है प्रॉब्लम तो सॉल्व है। तो दोस्तों फटाफट लोड करेंगे, उसके बाद जो है फिर आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों गाड़ी जो है लोड करके आ गया मैं कांटे के पास, और यहाँ पे मेरी स्टप, यहाँ मेरी गाड़ी का टायर मैं लगाया था, गाड़ी को स्टपनी और स्टपनी कर रही मेरे को परेशान, पूरा टायर बढ़ गया। और लोड देखिए जाली लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, पूरा टायर पूरा बढ़ गया, हवाई कुछ भी नहीं है इसमें। भैया मारो जी, ये जो लगाया मैं गाड़ी को ये स्टपनी, और जो गाड़ी का टायर कल पंचर हुआ तो वो रखा हुआ अंदर, और ये चक्कर के लगाया इन्हें भी कैसा पंचर हो गया। तो दोस्तों गाड़ी करा लिया काटा, काटा करा के निकल गया, और लोड जो है 12 क्विंटल लोड है गाड़ी में, जो है टायर में हवा ही कम हो गई, टायर में हवाज कम हो गई। अब सुबह के बज रहे हैं 8:61, हवा वाला मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो जो है परेशानी है। गाड़ी में मेरे पास जाग भी नहीं है, जाग जो है एक दोस्त को दिया भाई, जाग उठने रह गया। ये तो ऑटो वाले साहब लेफ्ट साइड से जगह ही नहीं है, घुस लेते जा रहे हैं। यहाँ पे है पंचर की दुकान, हवा भरते रहे भरते, खुली है बंद है, खुली है बंद है, खुली है बंद है, खुली है बहुत। ये लो लपड़ा हो गया है, नहीं भरते कहते लो, देखो खाली सतारी सतारी गाड़ी, 3500 गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अच्छा 3500 गाड़ी का हुआ, रनिंग में भी नहीं हुआ, 3500 गाड़ी का सडन हवा निकल गई, जो स्टपनी अच्छी थी वो पंचर है। 5-6 दिन से गाड़ी बहुत सतारी भाई। बाप 6 बजे आया मैं, जल्दी लोड करके डालना है गाड़ी उनके भी है, फिर अब देखो टायर पंचर, स्टपनी लगा के चला रहा था वो पंचर हो गई, जो टायर था वो पंचर नहीं हो गया था, स्टपनी लगाया, अड़ी में जाग नहीं है, ऐसा करना आप जाग दिया दोस्त को देने का नाम नहीं, ले लिए रख लिए, हम परेशान होना आप। तो मैं फिर से आ गया पार्किंग के पास, ज़रा गाड़ी साइड में लगाता हूँ, नाश्ता करता हूँ। तो दोस्तों लगा दिया गाड़ी साइड में, पूरी जीरो है, वाह कुछ 10% बची होंगी। और लोड देखो इतना हुआ, जाली लिया लोड हुआ, वो हवा कम में बोल के जरा कम लोड करा मैं, अभी फुल लोड होती थी गाड़ी। नाश्ता करेंगे जरा, इडली बोंडे बड़े दिख रहे। तो दोस्तों नाश्ता कर लिए, और हवा देखो इतनी है इसमें, हवा की दुकान देख के हवा भरा के गाड़ी खाली करके जो है टायर चेंज करता हूँ, क्योंकि जो लगाया मैंने स्टपनी है वो ट्यूबलेस है, ये जो है इसमें ट्यूब डाला हुआ। तो अभी पंचर की दुकान देखेंगे किधर मिलती। तो दोस्तों अभी जो टाइम हो रहा 8:30 हो रहे हैं, और 8:30 बजे के टाइम पे देखिए तकरीबन 90% अभी बंद है, सिर्फ 10% दुकान खुले हैं। भैया एक मिली पंचर की दुकान, मुझे अभी खोले भाई, हवा हवा भरना है, एक दुकान खुली अब भी। चलो अल्लाह का शुक्र है दुकान तो मिल गई, क्या करना टायर बैठते जा रहा है, इन्हों भी बोल रहे हैं नहीं है कहते, हवा मोटर खराब है कहते, नहीं परेशानी से वो पूरी मार्केट बंद है, पूरे दुकाना बंद है। 8:35 का टाइम हो रहा, 8:35 का टाइम हो रहा, पूरी मार्केट बंद है, देखे तो हैदराबाद सिटी है। देखिए चलो कौन सा मिलता आप, चाय की दुकान मिल गई तो मना लेंगे। हाँ इधर साइड एक है, मिल गया बंदा बेचारा, उन भी भरता है कि नहीं,
दो दुकान खुले मिले मेरे को, मगर दोनों भी नहीं भरता हूँ मैंने। अब लास्ट ऑप्शन है यार, पैसा अरे यार, और लेफ्ट में जाना है तो राइट में आ रहेगा। तो जैसा जैसा टाइम बढ़ रहा वैसा वैसा ट्रैफिक भी बढ़ते जा रही। देखो अभी मिक्सर की दुकान वेज खाल तो भी देखा, यहाँ पे पैसा भरते कि नहीं कहना जी, हवा तो भर रहे। सब तो भरता हूँ बोले भाई, दोस्तों अभी भर गई टायर में हवा, आप जाएंगे सीधा कस्टमर कर, टायरा भी डालना पड़ता है इसके चार। तो दोस्तों यहाँ से लेफ्ट मारेंगे अपन, शॉर्टकट रास्ते बहुत मालूम अपने को, गाड़ी भी जरा सही। टाइम बज रहा 8:40। तो दोस्तों अभी जाएंगे सीधा कस्टमर के पास। तो दोस्तों मैं पहुंच गया कस्टमर के पास, और कस्टमर का जो वो किरण दिख रहा उधर ही जाना है, मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, बोल रहा अंदर आ जाओ, अंदर गए तो चिक्कड़ में फंस जाते फिर रिवर्स भी नहीं आते, वैसा रास्ता है अंदर का। और गाड़ी में गई टायर हवा फिर से उतर गई, टायर पंचर ही है। तो फिलहाल तो मैं पहुंचा कस्टमर के पास, कस्टमर ही इधर ही आ रहा, तो कस्टमर आए के बाद मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है कि ये तो रास्ता बंद है, कहाँ से जाना है कि पता नहीं, वो आ रहा लेके जाता। फटाफट खाली करके जो है टायर चेंज कर लेता हूँ मैं, क्योंकि लोड में जाग चढ़ाने भी परेशानी होती है, और जाग भी मेरे पास है नहीं, पंचर की दुकान पर जाके देखेंगे, मगर कस्टमर कहाँ है कस्टमर का पता नहीं है। तो दोस्तों अभी आया कस्टमर, तो अभी जा रहा हूँ मैं कस्टमर के पीछे पीछे। टाइम देखिए 10:00 सिर्फ 7 मिनट कम है, 8:30 को निकला था, 1.5 घंटा लग गया पहुँचने में। से जो पल्सर गाड़ी पे जा रहा इसका इस लकड़ी है, यहाँ तो आके गया मैं रिटर्न। मैं कंफ्यूज इसलिए हुआ, पूरे सामने बिल्डिंग है, रास्ता है कि नहीं है कि, फिर एक तो इतना बड़ा गाड़ी गलियों में पलटता भी नहीं। देख रहा भैया कैसे गलिया है, आओ कहते आओ, अगर नहीं मिलता तो पलट के चले जाते सभी। जा रहे थे भाई साहब बाइक पे, वो किरणगंज जाना है मेरे को, रास्ता इधर से है, उसका बड़ा रास्ता कहाँ से तो कहाँ है जो इसको भी नहीं मालूम, इसके अंदर ही जाना है। लगे हुए ट्रैक्टर, तो भैया लग गई गाड़ी कस्टमर के पास, पंचर यहाँ पे है, बुड़बुड़िया मार रहा, पानी में है गाड़ी, ये देखिए टायर में पंचर है, इसलिए हवा उतर रही, थोड़ी सी बची हवा सिर्फ, गाड़ी हो रही है अनलोड यहाँ पे, देख रहे हैं जरा जल्दी खाली हुआ तो रुक जाता, जाग भी नहीं है मेरे पास जाग भी नहीं है, जाग नहीं है टायर है, जाग नहीं है। अच्छा ये बगर टूप का टायर है, कितना क्विंटल आ गया ये देखो, पहले जो है उधर लगाया था मैं गाड़ी वो बाइक के पास, फिर वहां से हटा के इधर लगाने लगा दिया, पहले टायर पंचर है, एक तो यहाँ से जबरदस्त खुशबू आ रही, ये देख रहे पानी आ रहा, जबरदस्त खुशबू आ रही, यहाँ लागे बिठा दिए, खुशबू सुन लेते बैठे बोल के, कुछ नहीं करना ऐसा गिलास चढ़ाना, गिलास चढ़ा लिया, जबरदस्त खुशबू आ रही, खुशबू नहीं आना बोल के गिलास चढ़ा दिया, पीछे गाड़ी खाली हो रही, टायर पंचर है, टायर गाड़ी का टायर यहाँ पे है जो इस पर ट्यूब डला हुआ है
वो जो लगाया था स्टेपनी थी वो भी पंचर है, गाड़ी में जाग नहीं है, एम्प्टी गाड़ी की जो है हवा कम उतरती, फटाफट खाली करेंगे और सीधा जाएंगे मील को। और ये जो है पहला लोड है और प्रॉब्लम जो है मेरा सॉल है, जो लिक्विड का प्रॉब्लम बता रहा था 357 पे इंजन ऑफ, अभी उसका कुछ भी झंझट नहीं है। और अगर आया तो भी मैं तुरंत आपको अपडेट दे दूंगा उसके बारे में। और जो मैं काम कराया वो तो मोहम्मद भाई के पास कराया, अगर आप भी कराना चाह रहे हैं तो अगर आपकी गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम आया, अगर आप बाहर बताएं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप जो है एक बार मोहम्मद भाई के पास भी बता के देख लो, क्योंकि मैं इसलिए उन्हों इतना परफेक्ट है इसलिए बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि उनका जो शॉप है वहीं पे जो है GMC के गाड़ियाँ बहुत चलते, GMCH जो कचरे के गाड़ियाँ हैं वो बहुत चलते, तो उनके पास बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आते वो, तो इसलिए जो है उन्हों परफेक्ट हो गए वो काम में, क्योंकि BS6 जो है नए गाड़ियाँ निकले और नया नया फॉल्ट है तो बहुत जल्दी समझ में नहीं आ रहा, थोड़े नए नए मैकेनिक जो है तो उनको जल्दी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए जो है उनको जल्दी समझ में आ गया क्योंकि वो गाड़ियाँ बहुत चलते उनके पास बहुत आते, इसलिए जो है थोड़ा जल्दी समझ में आ गया और जल्दी जो है काम आसानी से हो जा रहा और कम खर्चे में हो जा रहा। तो देखो इंशाल्लाह अगर आया ऐसा फॉल्ट तो जो है आप आके करा लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फटाफट ये खाली करेंगे, पहला लोड है मेरा सुपरो गाड़ी से, अभी जीतो गाड़ी वसीम भाई कब आना की कब लेके जाना की, अब मैं अकेला तो दो दो गाड़ियाँ चला नहीं सकता, और एक तो सोहेल भाई चला रहे ये गाड़ी, महबूब भाई चलाते थे अब चला रहे सोहेल भाई, सोहेल भाई भी जो उनके पास कुछ फंक्शन है उनका भी भरोसा कम है, आए तो आए नहीं है तो नहीं है, तो शाम तक जो आज मैं भी चला सकता हूँ या तो सोहेल भाई भी चला सकते, तो देखेंगे शाम तक क्या क्या होता है, देखते रहिए। गाड़ी खाली यहाँ पे हो गई अपनी गाड़ी अनलोड, पूरा माल इधर अनलोड करे उन्होंने, थोड़ा उधर अनलोड करे, थोड़ा इधर अनलोड करे, और अभी टाइम देखे क्या हो रहा, अभी टाइम हो रहा 10:42, 10:45 हो रहे, देखिए अभी कहीं तक मेरे को फिर एक घंटा लगता, 12:00 8:30 को लोड करके 8:00 लोड करके निकला, 4 घंटे सिर्फ खाली करके पहुँचे तक मील को, हवा के लिए आधा घंटा ख़राब हुआ, फिर इनका साइड नहीं मालूम हो रहा था, यहाँ पे आधा घंटा ख़राब हुआ, 1 घंटा उसमें ख़राब हुआ, इन्होंने खाली करने 1 घंटा करे 2 घंटे आने लग गए, 1.5 घंटा 3.5 घंटे चलो कारोबार होता। तो दोस्तों अभी जो है मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है, फ़ोन मेरा बंद हो सकता कभी भी, तो इसके बाद जो है मैं और एक ऑर्डर कंप्लीट करने वाला हूँ, और करता हूँ वो अनलोड करके फिर भर के रखता हूँ, इसके बाद जो है फिर एक लोड करता हूँ, हो सका तो उसे खाली करता हूँ, नहीं तो उसे ही भर के रखता हूँ। तो अभी जो है जा रहा हूँ मैं फिर से मील को, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी जो है मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, फ़ोन बंद हो जाता, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।